एक झूठ से कोविड ठीक हो सकता है, जाना चाहेंगे? एक इंसान अपनी गाड़ी को सर्विस में देने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। ऑटो में बैठा और ऑटो में बैठते ही ऑटो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देख रहा था और फिर उसने बात करने की शुरुआत की, आजकल कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं ना। पीछे बैठा हुआ ये इंसान, उसने निरस्ता से में जवाब दिया, लेकिन ऑटो ड्राइवर कहां रुकने वाला था। उसने कहा कि मेरी माँ को भी गंभीर बीमारी हुई थी, वो कोविड की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूले खा रही थी, लेकिन फिर मैंने मेरी माँ को ठीक कर दिया। ये इंसान जो पीछे उसकी ऑटो में बैठा हुआ था वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर था, अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, मतलब आपने उनका इलाज किया? ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैंने इलाज तो नहीं किया, इलाज तो डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन मैंने माँ को ठीक कर दिया। इस डॉक्टर ने आगे पूछा, वो कैसे? तो इस ऑटो ड्राइवर ने बताया, एक झूठ बोल के। मेरी माँ जब अस्पताल डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें देखते ही पहले दिन कह दिया था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, मैं शायद इन्हें बचा नहीं पाऊंगा। इस पर इस ऑटो ड्राइवर ने कहा, बस ये बात मेरी माँ को मत बताना, आप इलाज कीजिए और सब मुझ पे छोड़ दीजिए। पहले दिन जब माँ को वीडियो कॉल किया तो माँ कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी, माँ ने सारे हथियार डाल दिए थे, जीवन जीने की इच्छा शायद मर चुकी थी और ऑक्सीजन लगा हुआ था तो क्या बोलती। लेकिन माँ ने रोते रोते अपने बेटे से कहा, वो उस बेटे ने सुन लिया, माँ ने कहा कि बेटा शायद मैं नहीं बचूंगी। इस पर बेटे ने अपने दिल पे पत्थर रख के कहा, अरे माँ ऐसा तुम्हें लगता है? डॉक्टर ने तो कहा है कि 2 दिन में तुम्हें घर भेजने वाले। माँ को जैसे आत्मविश्वास का इंजेक्शन मिल गया हो उस बात से। फिर क्या था, दूसरे दिन डॉक्टर माँ को देखने के लिए पहुंचे और कोई सुधार नहीं था उनकी हालत में, लेकिन बेटे ने अपना झूठ जारी रखा। उसने कहा कि माँ डॉक्टर ने कहा है कि आज हालत और बेहतर है, तुम अच्छा कर रही हो। माँ के अंदर वो जीने की जो इच्छा थी वो फिर जाग उठी और तीसरे दिन जब डॉक्टर उसे देखने के लिए पहुंचे तो उनकी हालत में वाकई सुधार था। डॉक्टर ने कहा, शी इज डूइंग बेटर। इस पर उस ऑटो ड्राइवर ने अपनी माँ से वो झूठ जारी रखा और कहा कि माँ मैंने कहता था, अब ये लोग तुम्हें घर वापस जाने की अनुमति देने की सोच भी रहे, बस तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। इसी झूठ के सहारे धीरे धीरे करके माँ एक दिन ठीक हो गई और घर वापस लौट आई। ये जो डॉक्टर पीछे बैठा हुआ था ऑटो में बैठे सुने जा रहा था, उसके लिए एक बहुत ही विचित्र अनुभव था। वो मनी मन सोच रहा था कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट और आशीर्वाद के इंजेक्शन से हम अपने अपनों को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर उस ऑटो ड्राइवर की बातों ने उस डॉक्टर को एक प्रसिद्ध साइको एनालिस्ट की बात याद दिलवाई, जिसका जिस्ट है कि शब्द चमत्कार करते हैं। पैरेलल ट्रीटमेंट शब्दों से ही तो होती है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी को शब्द रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पेशेंट के दिमाग पर वो असर छोड़ते हैं कि अगर पेशेंट निश्चय कर ले तो वो ठीक हो सकता है, दृढ़ निश्चय। क्योंकि आखिरकार सोचे तो शरीर दिमाग की तो सुनता है, द बॉडी फॉलोज द माइंड। शब्दों में जादू खोलना हम में से हर किसी को आता है। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज फ्रेश लग रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी रेट के मामले में आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे यार। वजन थोड़ा सा बढ़ा है क्या? मतलब चेहरे पर जो नूर लग रहा है, ये सारे सफेद झूठ है। एक सफेद झूठ बोल के किसी का दिन बना दो, वो जी उठेगा। हम में से हर किसी के पास वो एक्टिंग स्किल्स है, बस इस जीवन नाम के रंग एक छोटा सा किरदार निभाना, एक छोटा सा रोल, और फिर हम भी उस ऑटो ड्राइवर की तरह कह पाएंगे कि हमने उस इंसान को ठीक कर दिया। डॉक्टर निमित ओझा, आपकी ये कहानी मुझ तक पहुंची और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इट इज सच अ पॉजिटिव स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया इसे शेयर करने के लिए। तो बस आज का होमवर्क, आज का टास्क इतना ही है कि किसी एक इंसान को विश्वास दिलाएंगे कि वो ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस हाथ थामे रखना किसी का, दुनिया की भीड़ है भारी। हाथ थामे रखना किसी का, दुनिया की भीड़ है भारी। वो इंसान अकेले अकेले खो ना जाए, ये आपकी है जिम्मेदारी। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार यहीं पर रखती हूं। इसे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे विश्व अकुई मारू छे हाउ आर यू फाइन।
The entire world is mine. Archana ki or se, dher sara pyar. Take care.